दोस्तों, यदि आप एक ही मोबाइल नंबर को दो खाता के साथ लिंक करके रखे हैं तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने भी एक ही मोबाइल नंबर से दो खाता लिंक करके रखा है और प्राइमरी सेकेंडरी क्या हो रहा है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो मैं भी एक्सिस बैंक में दो अकाउंट खोल के रखा हूँ और दोनों अकाउंट के साथ मेरा एक ही मोबाइल नंबर लिंक है, लेकिन मेरे को क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रही है, चलिए बताती हैं। तो दोस्तों, ये है एक्सिस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन। एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग को हम लोग इसी में एक्सेस कर पाते हैं और इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अकाउंट बनाना होता है। कैसे अकाउंट बनाना है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमें यहाँ पर लॉग इन करना है, जो कि एम पिन दर्ज करके लॉग इन करना है। लॉग इन हो चुका है और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने दो अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1574 लास्ट में और 9696। तो यहाँ पर दो अकाउंट है में एक ही मोबाइल नंबर लिंक करके रखा गया है। और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, अकाउंट वाले ऑप्शन पर चलते हैं। अकाउंट वाले ऑप्शन पर चलने के बाद यहां पर देख सकते हो, दो बैंक अकाउंट है, दोनों सेविंग अकाउंट है, वेरिएंट अलग है। तो एक मैंने यहां पर जो है ब्रांच से ओपन करा था और दूसरा मैंने यहां पर ऑनलाइन ओपन किया था, ठीक है, जिसमें एक में जीरो बैलेंस है और एक प्राइमरी अकाउंट है और एक सेकेंडरी अकाउंट है। दोनों में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है और दोनों का जो कस्टमर आईडी है वो एक ही है। अगर आप एक ही बैंक में दो अलग अलग अकाउंट खुलवाते हैं या फिर दो ब्रांच में जाकर एक ही बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक ही कस्टमर आईडी मिलता है, ठीक है। तो एक ही कस्टमर आईडी मिला। सर्विसेज में आकर यहां पर अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा दिया गया है कि आपके अकाउंट के साथ ये वाला मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड के साथ सेम वही मोबाइल नंबर। तो अगर हम अपडेट करना चाहे, बदलना चाहे, तो हम अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके यहां पर आसानी से बदल सकते हैं। दिक्कत कहां पर है, तो देखो यहाँ पर मैं UPI लिंक नहीं कर पा रहा। जैसे UPI पर क्लिक करती हैं, UPI डैशबोर्ड पर क्लिक करती हैं, तो आपको यहाँ पर क्रिएट UPI आईडी दिखाई दे रहा है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक्सिस बैंक लिमिटेड, जो कि हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी अकाउंट यहाँ पर फाइंड नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से इसका रीज़न ये है कि मेरा जो प्राइमरी अकाउंट था, जो ब्रांच से मैंने ओपन करा था, तो उसका जो डेबिट कार्ड था एनुअल चार्ज वगैरह के लिए मैंने बंद करवा दिया था, ठीक है। बंद करवाने के बाद कुछ दिन तक UPI चला, उसके बाद बोला गया कि आप UPI पिन को रीसेट कर लो, मतलब फिर से सेट कर लो। तो उसके बाद मेरे पास डेबिट कार्ड था नहीं, तो मैंने सेट नहीं किया, तो यहाँ पर UPI बंद कर दिया गया। और अब बताया जा रहा कि कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, जबकि एक ही मोबाइल नंबर से मेरा दो दो बैंक अकाउंट है। तो सेकेंडरी बैंक को तो ये लोग फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं और प्राइमरी बैंक अकाउंट पहले लिंक था, अब बता ही नहीं रहे हैं। तो देख सकते हो ये कुछ स्थिति है। तो ये आपने देख लिया, एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में UPI लिंक वगैरह नहीं हो रहा और इसका रीजन भी आपको पता चल गया। अब फोन पे पर वाला भी देख लीजिए। अगर हम फोन पे में आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पर भी क्या कुछ बताया जा रहा। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ऑल पेमेंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं एक्सिस। मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर से अकाउंट खोजा जा रहा और बोल दिया गया कि भाई कोई भी अकाउंट नहीं है। तो कम से कम प्राइमरी अकाउंट को बंद किया गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी तो खोज लेना चाहिए, सेकेंडरी को तो यहाँ पर फाइंड करना चाहिए, लेकिन नहीं, सेकेंडरी भी फाइंड नहीं किया जा रहा। तो अभी तक आपने देख लिया कि फोन पे पर भी UPI लिंक नहीं हो रहा और ना ही एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में लिंक हो रहा, मतलब अकाउंट खुला हुआ है, अकाउंट है और बता रहा कि कोई भी अकाउंट नहीं है, ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है। तो यही चक्कर है भाई, प्राइमरी सेकेंडरी का। अब चलते हैं व्हाट्सएप बैंकिंग की तरफ। देखो, SBI का व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च किया गया। अब यहीं पर मोबाइल नंबर वाला फंडा आता है। SBI में अगर व्हाट्सएप बैंकिंग क्रिएट करना चाहती हैं, नहीं देखे हैं वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। तो SBI का व्हाट्सएप बैंकिंग में क्या हो रहा है कि जब भी आप व्हाट्सएप बैंकिंग के तहत बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट देखने जाएंगे तो उस समय एक ही अकाउंट आपका एक्सेस होगा, चाहे आपके नंबर पर दो खाता क्यों ना रहे। लेकिन एक्सिस बैंक में वैसा नहीं है। SBI में आपको वो चीजें देखने को मिलेगा, एक्सिस बैंक में आपसे पूछा जाएगा कि किस अकाउंट से जुड़ी जानकारी चाहिए, चलिए वो भी देख लीजिए। एक्सिस बैंक के व्हाट्सएप बैंकिंग चैट है ये, यहाँ पर देख सकती हैं, ये नंबर है एक्सिस बैंक का व्हाट्सएप बैंकिंग का। यहाँ पर मैं हाई लिखकर सेंड करता हूँ, हाई लिखकर मैंने सेंड किया। सेंड करने के बाद इतना सारा सर्विस दे रहे हैं एक्सिस बैंक, जिसमें अकाउंट और चेक सर्विस, क्रेडिट कार्ड सर्विस, FD सर्विस,
प्रोफाइल अपडेट सर्विस, कार्ड को ब्लॉक करने की सर्विस, प्री अप्रूव ऑफर जानने की सर्विस, ये सारे सर्विसेज हैं। तो हम वन पर क्लिक करेंगे, अकाउंट संबंधित, वन प्रेस करके सेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर अकाउंट में 7 प्रकार के सर्विस ये देते हैं, तो अकाउंट बैलेंस ही चेक कर लेते हैं। चलो वन क्लिक कर लेते हैं, वन प्रेस करके हमने सेंड कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने फाइंड कर लिया कि आपका 2 अकाउंट है और कौन से अकाउंट की जानकारी चाहिए। तो मैंने आपको बताया एक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट 1574 और दूसरा का 9696। तो यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट ही एंटर करना है, तो चलिए यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद देख सकते हो ऊपर में बता दिया गया कि भाई देखो आपका अकाउंट का बैलेंस कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये हो गया एक अकाउंट। अब दूसरे अकाउंट के बारे में भी बता देते हैं, जैसे वन प्रेस करके हमने सेंड किया, ठीक है। सेंड करने के बाद अकाउंट की लास्ट 4 डिजिट मांगा जा रहा, तो अब हम 9696 वाला देते हैं। चलिए उसके बाद सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद अकाउंट बैलेंस फैच किया गया और आप देख सकती हैं इसमें बैलेंस बिल्कुल 00 है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग में कुछ इस प्रकार से काम करता है एक्सिस बैंक का, लेकिन SBI का 2 अकाउंट एक साथ आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं अगर सेम मोबाइल नंबर से है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दिया, आप समझ भी गए कि प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी प्राइमरी का क्या चक्कर होता है और मुझे किस तरह की दिक्कत झेलना पड़ रहा है। देखो ऐसा फेडरल बैंक में नहीं होता, फेडरल बैंक में फाइव मनी अकाउंट खोले होंगे या फिर जुपिटर मनी अकाउंट खोले होंगे, तो दोनों ही फेडरल बैंक में ही अकाउंट आप खोलते हैं जो कि दो एप्लीकेशन के मदद से। तो उसमें कस्टमर आईडी आपका एक ही रहता है, जो फेडरल बैंक देते हैं वही कस्टमर आईडी के साथ दोनों अकाउंट जुड़ा रहता है, और जब आप UPI लिंक करने जाएंगे तो दोनों अकाउंट में अलग अलग कर पाएंगे। जब आप फाइव मनी का इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर भी आप दोनों अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक कर लीजिएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इंटरनेट बैंकिंग और कैसे दोनों अकाउंट को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर सब कुछ तो आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया, समझा भी दिया है। तो देखो ऐसा होता है कि अगर आप एक ही बैंक में दो अलग अलग ब्रांच या फिर दो वेरिएंट के अकाउंट खोलती हैं और एक ही कस्टमर आईडी से जुड़ा रहता है तो उसमें आप एक ही मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत वगैरह होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक ही मोबाइल नंबर को अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या फिर आप दूसरे बैंक में खुलवाते हैं, इस तरह से डिफरेंट बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो एक ही मोबाइल नंबर को दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बैंकों में अलग अलग आपका कस्टमर आईडी होता है। लेकिन अगर आप SBI में अकाउंट खुलवा लिया और आपका फैमिली मेंबर का कोई सदस्य SBI में अकाउंट खुलवाता है और पहले से आप जो अकाउंट खुलवा रखे हैं उसी में क्या मोबाइल नंबर जो लिंक है वही आप दूसरा वाला में भी देना चाहते हैं, तो उस स्थिति में एग्जिस्ट कर जाएगा, वहां पर बताएगा कि भाई दूसरे अकाउंट में लिंक है। चूंकि KYC आपका है तो आपका मोबाइल नंबर वहां पर लिंक है, अब आपके फैमिली मेंबर में कोई अकाउंट खुलवाएगा तो वो KYC बदल जाएगा, तो उसमें आप नहीं दे सकते हैं। माइनर अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, माइनर अकाउंट तो अलग बात है, वहां पर फैमिली मेंबर का ही डिटेल लिया जाता है। और हाँ, अगर आप मोबाइल नंबर को बदलना चाहती हैं तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो वो ऑनलाइन बदल सकते हैं, नहीं तो आप ATM का सहारा भी ले सकती हैं, ATM मशीन में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकती हैं। कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, कुछ प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, अभी तक क्या कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भूल चूक वगैरह से तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जय हिंद।